सो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन एग्रीकल्चर. तो आर यू रेडी डियर? यस सर. आर यू रेडी डियर? यस सर. वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज एक ऐसे लेसन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता. कहा जाता है, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, बहुत सारी फिल्में थी लेकिन एक फिल्म की चर्चा मैं कर रहा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, रोटी हमको कहाँ से मिलता है? इसी से, एग्रीकल्चर से. कपड़ा कहाँ से मिलता है? इसी से. ठीक है, बड़े पॉइंट. और मकान भी कहीं ना कहीं मिलता है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज से, बड़े पॉइंट. ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर मान लो. यहाँ पर इकोनॉमी को तीन भागों में बांटा गया, जो बड़ी क्लास में जाओगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर हमारा आता है. तो सबसे बड़ी बात है कि हम एग्रीकल्चर इस लेसन को क्यों पढ़ रहे हैं. मैं हमेशा इस बात को जोड़ देता हूँ, किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले अपने आप से पूछो कि आखिर मैं इस लेसन को क्यों पढ़ रहा हूँ. बड़ो भाई, मैं इस लेसन को क्यों पढ़ रहा हूँ? Why I am reading this lesson? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना होगा. बड़ो भाई, जैसे आप स्कूल क्यों आ रहे हो? टाइम पास करने के लिए, पढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ और अच्छा करने के लिए, कुछ भी ऐसा आंसर होगा ना. ठीक है, आप ग्राउंड क्यों जाते हो? ये भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है. आप लाइब्रेरी क्यों जाते हो? ठीक है, आप बड़े बड़े बाल क्यों रखते हो? कुछ भी हो सकता है आंसर, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. कुछ बच्चे रखते हैं, गुड पॉइंट. और टीचर आपको डांटते भी होंगे, है ना. क्यों? क्योंकि बच्चे का डेविएशन हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करेंगे, बाल बाल बालों में ही उलझे रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, है ना, गुड पॉइंट. इसी तरह ग्राउंड जाते हो, किस लिए जाते हो? ये तो आपको पूछना पड़ेगा, व्हाई यू आर गोइंग टू द ग्राउंड. आप ग्राउंड क्यों जा रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी लेसन को अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि व्हाई यू आर स्टडीइंग दैट लेसन. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए. तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये लेसन क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस लेसन? कोई मुझे बच्चा बताएगा? हाँ बोलिए बेटा. एग्रीकल्चर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? एग्रीकल्चर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? रे जो अपना हाथ उठाएंगे कोई बताना चाहेगा तो बोलिए बेटा. सर एग्रीकल्चर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में. एग्रीकल्चर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में हमको जानना चाहिए. हाँ आप भी बताइए. साइंस एंड द आर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन ऑन द सॉइल एंड रेशन क्रॉप एंड इज कॉल्ड अ फार्मिंग. नो नो, मेरा क्वेश्चन है कि हम इस लेसन को क्यों पढ़ रहे हैं. ये सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि इस लेसन को हम क्यों पढ़ रहे हैं. कोई मुझे बताएगा? नो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा. हाँ बोलिए बेटा, बोलो. एग्रीकल्चर किसानों की डिफिकल्टीज जानने के लिए, क्या क्या जरूरी होता है एग्रीकल्चर में और मतलब क्यों हमें चाहिए एग्रीकल्चर. ठीक है, मतलब इनका कहना है कि जो दीका जी कह रही हैं कि एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब क्या टाइप है, वाई वी शुड, वट इज द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. हाँ हमको जानने की इच्छा हो रही है. देखो किसी चीज़ के बारे में जानोगे ना तभी उसकी समस्याओं का समाधान भी कर पाओगे. अब एग्रीकल्चर के बारे में जानोगे, आपको बताया जाएगा, तब तो समझ पाओगे हाँ एग्रीकल्चर में ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए और ऐसे नहीं हो रही. अब उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो उसकी समस्याओं का समाधान आप कर नहीं पाओगे बेटा. इसलिए ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ें जाने, क्योंकि हमारे ये लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है. लाइवलीहुड का मतलब क्या हुआ? वो काम जिसको करने से हमारी जीविकोपार्जन होता है, हम कुछ अर्निंग कर पाते हैं और अपने
और अपने परिवार का भला कर पाते हैं, अपना और अपने परिवार का भला कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हमारी रोटी है। सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हमारी रोटी है। और रोटी का सबसे प्राइम सोर्स हमारा क्या है? एक ही मात्र सोर्स है, एग्रीकल्चर। गेहूं कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर। चावल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर। पल्स कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, आप इडली डोसा कुछ भी खाते हो वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर। तो एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा एरिया जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा लेसन जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको जानने जाना तो ज़रूरी है बेटा, करेक्ट ना? गुड माइंड। तो उसी नोट के साथ हम आज इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। कौन पढ़ेगा मेरा बेटा? रीडिंग कौन करेगा? रेज़ हैंड। हाँ, आ जाओ, कम हियर। ठीक है, तो आपका नाम? कार्तिकेय। सर कार्तिक। कार्तिक पढ़ेंगे, तो कभी छोटे बच्चों के नाम अभी याद नहीं है। चलो पढ़ो बेटा। हाँ। गुरप्रीत, मधो एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। टीलिंग लैंड, टीलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एग्रीकल्चर को जब डिफाइन करते हैं ना, व्हाट इज एग्रीकल्चर? इट टीलिंग ऑफ सॉयल एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। टीलिंग ऑफ सॉयल, जमीन की खुदाई करना, टीलिंग ऑफ सॉयल्स। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, फसलों को उगाना, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और जानवर जो हैं उनका पालन करना। उनसे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे सिप है तो उससे हमको उलन उल मिल जाता है, और भी बहुत सारे मैमल्स हैं जिससे हमको दूध की प्राप्ति होती है। गॉट अ पॉइंट? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, टीलिंग ऑफ सॉयल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये जो तीनों को मिलाते हैं तो हम एग्रीकल्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम। यहाँ पर बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट किया गया है और ये बताया गया है कि क्या महत्व है। बच्चे नान तो कभी कभी बच्चे गाँव में जाते हैं और फसल को देखते हैं, उसको नुकसान ही पहुँचाते हैं। उनको मालूम नहीं है, उनको उसकी जानकारी नहीं है। तो वैसे बच्चों के लिए, जो बच्चे जिनके अंदर समझ नहीं है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि जो आपके घर में ब्रेड आता है, जो आपके घर में चावल आता है, जो आपके घर में दालें आती हैं, वो कैसे आती हैं? इन्हीं फसलों की वजह से आती हैं। तो ज़रूरी है इस बात का कि आप फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। कुछ बच्चे होते हैं ना, पेड़ जाते हैं, पेड़ के पत्ते को तोड़ दिया, है ना, फसल लगी हुई है उसको नुकसान पहुँचा दिया। बिकॉज अनोइंगली दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अनोइंगली दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। व्हाट अ पॉइंट? ठीक है, चलिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। चलिए पढ़ो बेटा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अंडरलाइन कर लें। थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अंडरलाइन कर लें। चलो आगे पढ़ो। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अंडरलाइन कर लें। तीन एक्टिविटीज कौन कौन सी? What are the three activities? Primary activities, secondary activities and tertiary. Very good. तीन तरह की activity हो गई, tertiary activities. चलिए आगे बढ़िए। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. ठीक है, तो यहाँ से प्राइमरी से लेके गुड एग्जाम्पल्स तक अंडरलाइन कर लें। ठीक है, कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जांपल भी बता दिया गया आपको कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बड़े माइंड सेट प्रॉपरली बेटा, सेट प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्राइमरी एक्टिविटीज। बताया बेटा ना, अभी आपको बताया ना रिसोर्स की एग्जाम्पल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज।
ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटीज में मान लो कि टोमेटो का कल्टीवेशन करना प्राइमरी एक्टिविटीज है, ओके। टोमेटो की खेती कर रहे हो वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। अब जब उसी टोमेटो से आप टोमेटो कैसे बना दे दोगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। गॉट अ पॉइंट? एनिमल का शिप का रियरिंग करना वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज। उससे जब आप उल बनाते हो, यार्न बना लिए, तो क्या हो गया? सेकेंडरी एक्टिविटीज। गॉट अ पॉइंट? क्योंकि आपने उसकी प्रोसेसिंग किया, उसमें बदलाव लाया, ठीक है। तो बदलाव लाने से क्या होता है? उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसको लंबे समय तक हम उसको रख पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। आपको टमाटर मार्केट में मिले ना मिले, लेकिन टोमेटो केचप साल भर मिलता है ना। तो क्योंकि जब टमाटर जब सस्ता था, जब प्रोडक्शन ज़्यादा था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको परचेज कर लिया, उसको बॉयल वॉयल करके अपना प्रिजर्वेटिव मिला के और उसको रख दिया, सो दैट यू कैन इन्जॉय, यू कैन कंज्यूम इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। That is the advantage of secondary equity. That clear? समझ में आई भाई बात? Very good. चलो next. Tertiary activities. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services. Transport, trade, banking, insurance, and advertising are examples of tertiary. ठीक है. Tertiary activities को supportive services भी कहा जाता है और ये primary और secondary दोनों activities को सहायता करती है। गांव का किसान खेत में टमाटर उगाता है, इज ग्रोइंग टोमेटो इन हिज फील्ड, और वो टोमेटो शहर में ज्योतिका के घर में, हमारे घर में कैसे आता है? बाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। हम और आप और आपके पेरेंट्स पैसा बैंक में कैसे कहाँ जमा करते हैं? तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं, याद रहेगा। टर्सरी एक्टिविटीज के कोई दो एग्जाम्पल बताइए, बैंक, इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये सब एग्जाम्पल है क्या? टर्सरी एक्टिविटीज के, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, यस, आगे बढ़िए। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब कोई 15 आदमी अगर काम करते हैं, टोटल है देश में पॉपुलेशन 15 आदमी का है, 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का मतलब 10 आदमी जो है एग्रीकल्चर में, 2/3। तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ के आसपास, उसका 2/3 कर लो तो उतने आदमी लगभग हमारे किसमें हैं? वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर किसकी एक्टिविटीज है? प्राइमरी एक्टिविटीज है। एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटीज है? प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब पहले ही मैंने बताया, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये सब जो है एग्रीकल्चर का पार्ट है, टिलिंग ऑफ सॉइल। चलिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या? टोपोग्राफी मतलब आपका जो जमीन है वो कैसी है, वो जमीन कैसी है, ठीक है। माउंटेन पर आप खेती, चावल की खेती कर पाओगे? नहीं, ठीक है। माउंटेन पर, पीक पर, एवरेस्ट पर नहीं, क्यों? क्योंकि उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करता है। राइस के लिए हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, चीप लेबर फोर्स चाहिए। लेबर फोर्स पलने वाला फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स की केवल बात करें, हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और पानी का ठहराव भी चाहिए, और सॉयल भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइस एरिया पर नहीं हो सकता है, बॉटम पॉइंट, ठीक है। एलुवियल सॉयल उसके लिए बहुत अच्छी सॉयल मानी जाती है, बाकी सॉयल पर भी होता है, लेकिन एलुवियल सॉयल काफ़ी अच्छी सॉयल मानी जाती है। बॉटम पॉइंट, एरिया प्लेन होना चाहिए, सनलाइट अच्छा होना चाहिए, खूब बारिश होनी चाहिए, ठीक है। बॉटम पॉइंट, चलिए। द एग्रीकल्चर ऑन व्हिच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। इन द मैप, ठीक है, एरेबल लैंड एक छोटा सा वर्ड है, एरेबल लैंड, ठीक है। एरेबल लैंड का डेफिनेशन क्या हुआ? रिपीट करेंगे बेटा, द लैंड ऑन व्हिच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, एरेबल लैंड, ठीक है। जिस जमीन पर, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एरेबल लैंड,
ठीक है, बड़ो पॉइंट, चलिए आगे बढ़िए। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजंस ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट। देखो अब आपके बुक में एक मैप दिया हुआ, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ। अगर पूरे वर्ल्ड के मैप को ध्यान से देखो, पूरे वर्ल्ड के मैप को ध्यान से देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरे लैंड एरिया का कितना छोटा सा एरिया जहां पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, मतलब इतना बड़ा एरिया देख लो आप अपने पूरे, देखो एरिया को देखो। अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में ज़्यादा एरिया में एग्रीकल्चर किया जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो बहुत कम एरिया में, टोटल एरिया का देखो तो ज़्यादातर एरिया में एग्रीकल्चर नहीं होता है, ज़्यादातर एरिया में। लेकिन हमको इतना प्रोडक्शन करना है कि दुनिया के हर व्यक्ति को खाना मिल जाए, तो मतलब क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बहुत है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बहुत है, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने वाले एरिया कम हैं। इसका मतलब हमको एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, खाने के जो सामान हैं, उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज का रेजोल्यूशन क्या है बोलो? एक बड़े अच्छा ऐड आता है, उतना ही लो अन्न थाली में जितना न जाए नाली में। बोलो उतना ही लो अन्न थाली में, बोलो जितना न जाए नाली में, बोलो एक बार दोबारा, उतना ही लो अन्न थाली में जितना न जाए नाली में, ठीक है ठीक है। तो हमको अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए पुराने जमाने के लोग और अभी भी खाना खाने से पहले लोग प्रणाम करते हैं और सब खाना खाते हैं, कभी नोटिस किया है? वेरी गुड, चलो क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ।